हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स बाय गुलशन। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो प्लीज़ वीडियो को आग तक पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसमें मेरा शेड है 02। इसको मैं अपनी आईज़ पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइज, ये बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल कंसीलर है। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। को लॉक करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हिलेरी रोडा का लूज पाउडर प्लस कॉम्पैक्ट विथ SPF 15। फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग कलर क्वीन आईब्रो पेंसिल इन द शेड डार्क ब्राउन 03। ये आईब्रो पेंसिल मैंने लोकल मार्केट से बाय की थी। मेकअप के लिए मैं यहाँ ब्यूटी ग्लेज्ड पैलेट से ब्राउन कलर को एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका आई मेकअप अच्छा और ब्यूटीफुल दिखे, तो इसके लिए आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी होगी। आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, आपका मेकअप उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों आईज़ पर एक साथ ही मेकअप करते जाएँ। मैंने सेम पैलेट से डार्क ग्रीन कलर को लेके अपने आउटर व्यू पर अच्छे से अप्लाई किया है। यहाँ पर मैंने कलर को टाइम लेकर अच्छे से ब्लेंड किया है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। बाद मैंने ग्लिटर आई शेडो पैलेट से गोल्डन ग्लिटर को लेकर फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने हाफ आईलिट पर अच्छे से अप्लाई किया है। ये पैलेट मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। मैंने यहाँ जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। आईलाइनर को मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगी और दोनों आईज़ पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। बिगनर्स के लिए ये ब्लू हेवन का आईलाइनर एकदम परफेक्ट है। आईलैशेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। इसके बाद मैं ब्यूटी ग्लेज्ड पैलेट से डार्क ग्रीन कलर को लेकर अपनी लोअर लैश लाइन पर पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब हम अपना फेस मेकअप करेंगे। यहाँ पर मैं वेट वाइप की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जिससे आई मेकअप करते टाइम जितना भी फॉल आउट हुआ था वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
उसके बाद मैं यूज़ करूँगी टोनर। टोनर के लिए मैं यहाँ प्लम का ग्रीन टी टोनर अप्लाई कर रही हूँ। गाइज ये बहुत ही अच्छा टोनर है। टोनर के बाद मैं यहाँ अप्लाई करूँगी मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मेकअप करने से पहले आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ हिमालय की लिप बाम अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी NYB का ब्राइटनिंग प्राइमर। गाइज प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। प्राइमर को मैं टी जोन पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी MN की ग्रीन टी बीबी क्रीम। गाइज ये बीबी क्रीम कम फाउंडेशन ज़्यादा है, इसलिए जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा वाइट सा लगेगा, बट बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको मैं अपने पूरे फेस पर डॉट करके अप्लाई कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर अप्लाई करना है अंडर योर आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, चिन। गाइज ये कंसीलर बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। अगर आप अफोर्डेबल कंसीलर ढूंढ रहे हैं तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिलेरी रोडा का लूज पाउडर। इसमें मेरा शेड है 01। लूज पाउडर को 2 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे ही रहने देना है और 2 मिनट बाद ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर लेना है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन की 4-in-1 ब्लश पैलेट। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी कलर क्वीन का हाइलाइटर। इसमें मेरा शेड है 05। हाइलाइटर को मैं अपने चीक्स पर, ब्रिज ऑफ दी नोज, चिन एरिया और ब्राउ बोन पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी न्यू गर्ल की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड नंबर 07। गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।